हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बिना माउस का ये माउस पैड कैसे लाएं कर्सर वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऊपर गए हैं, नोटिफिकेशन ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से साइड से नोटिफिकेशन पैनल को खोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर भिजा सकते हैं। यहाँ पर सब चीज़ कंट्रोल करने का दिया हुआ है। ठीक है, इसे ऊपर किए। ठीक है, इस पर यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ऊपर करते हैं माउस पैड। ठीक है, जैसे आप जैसे आपको कुछ भी खोलना है, तो यहाँ जैसे हमको प्ले स्टोर खोलना है, तो यहाँ पर माउस वाले ऑप्शन पे ऐसे स्क्रॉल करके खोल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं प्ले स्टोर खोलने। ठीक है, हमको जिसको होम करना है, तो यहाँ पे हम कर्सर लेके आएंगे यहाँ पे हमारे होम। ठीक है, यह एक बहुत ही बेहतरीन जो है फ़ोन का फ्यूचर है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और इसे आप कैसे और कहां से ऑन करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, हम सबसे पहले अपना सेटिंग ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम उस फीचर को ऑन करते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना सेटिंग खोल लेना है। ठीक है, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो और बेहतर, क्योंकि ये जो हम बताने वाले हैं ये सैमसंग का ही फ़ोन है। ठीक है, सैमसंग का किसी भी फ़ोन में आप इसे ऑन कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको चल जाना है एसेसिबिलिटी में। वहाँ पर आने के बाद तो दोस्तों, अगर आप एसेसिबिलिटी खोले तो आपको चल जाना है उसके बाद इंटरेक्शन डिस्ट्रेशन में। ठीक है, यहाँ पर हम ऑन कर दिए। उसके बाद एसेसिबिलिटी मेन्यू में चल जाना है। ठीक है, इसको हम खोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑफ है, इसे ऑन कर लेंगे हम। ठीक है, अलाउ कर लिया। उसके बाद हम इसे ऑफ, इसके बाद उसे हम होम कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको आप एज पैनल पे रख सकते हैं। तो एज पैनल के लिए आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा मेन्यू सेटिंग में जाके। वहाँ से हम बताते हैं, पहले हम आपको बताते हैं कि माउस वाला पैड कैसे लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये माउस आपका बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका आ गया। ठीक है, जैसे हम चलिए काटते हैं। अब इसे आप एज पैनल पे कैसे रख सकते हैं, तो चलिए हम इसे मेन्यू वाले ऑप्शन पे खोलें। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे में शो एज आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका एज पैनल पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं एज पे। ठीक है, तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी सब टाइप का वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।